हेलो, मैं सिप्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको और मेरे प्यारे व्यूअर को जो होंगी मेरे तरह लेडीज होंगी, जो मेरी बहन और मेरी माताएं जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा उसको हैप्पी वुमेंस डे। और मैं अपने दिल से बोल रही हूँ हैप्पी वुमेंस डे। तो फिर आप लोग अब क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ तो अब आजकल छुट्टी चलने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है। और मेरे बच्चे, आज तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गया है, पर मेरा भी बेटा का कल एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। कल वो जाएगा अपना एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम देने वाला है, जो कि आज बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। बोल रहा है कि किस चीज़ का पेपर है, कंप्यूटर का इसका पेपर है। तो वो बोल रहा है कि मम्मी मेरे को आता है तो कंप्यूटर नहीं पढ़ रहा है। तो मैं भी आज फ्री हूँ और सोच रही थी कि चलो मैं आज अपना वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। और मेरा देखिए दोपहर का समय हो गया है, 2:30 बज गया है, अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं और मैं ना आज सोई नहीं हूँ। तो सोची कि चलो आज थोड़ा सा अपना वीडियो दोपहर वाला ही शूट कर लेती हूँ। आज मैं खाना में क्या बनाई हूँ, दाल और मैंने दाल चावल और सब्जी बनाई हूँ, जो कि सब दाल मैं बनाई हूँ, जो कि हरा मटर वाला दाल होता है ना, कि वो बनाई हूँ। उसका तो रेसिपी आप लोग को मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगा। और मैं लेकिन आज दूसरा आप लोग को वीडियो, जो कि मैं अभी मॉर्निंग वाला, जो मॉर्निंग में मैं ये की थी, क्या बनाई थी, हाँ, जो मैं मॉर्निंग में जो सब्ज़ी बनाई थी उसको मैं आप लोगों को वो रेसिपी आप लोग आज देने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा इंजॉय करिए। और मैं भी आजकल ना क्या हुआ है ना कि हमको एकदम पूरा फ्रीडम रहूँगी, क्योंकि 20 दिन तक पूरा मैं फ्रीडम रहूँगी। ये पूरा मार्च इन लोग का स्कूल नहीं चलेगा और 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से, अभी ये कल जाएगा हर्ष, मेरा बेटा अभी कल एग्ज़ाम के लिए जाएगा, तो पता पूरा चलेगा कि मैंने 1 तारीख से खुलेगा कि 2 तारीख से खुलेगा। तो ये लोग पूरा तब जाएंगे तो फिर टेंशन बढ़ेगा, लेकिन अभी मैं 20 दिन तक पूरा ही आराम करूँगी और पूरा नोट टेंशन। और इन लोगों को एक दिन भी नहीं बोलने वाली हूँ कि तुम लोग पढ़ाई कर लो या नहीं पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी सारा बुक कॉपी मंगाना है, जो कि ये मेरा बेटा बड़ा हो गया है, वो 10th में चला गया है, तो उसके लिए पूरा बुक कॉपी सारा नया मंगाना है। और बेटी 9th में गई है तो उसके लिए भी पूरा मेरे को मंगाना है। तो अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म होगा, अब होली के बाद ही मैं इन लोग का बुक मंगाऊंगी। तब तक इन लोग को भी एकदम छुट्टा छोड़ दूंगी कि जाओ तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी जी लो, और मैं भी जो मेरे को करना होगा मैं अपना करूंगी, ये लोग अपना करेंगे। तब तक के लिए मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करके। और इधर गाड़ी आ जा रही है मेरे रोड पे, तो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। और फिर आप लोग देखिए सीधे मेरा मैं किस चीज़ का रेसिपी बनाई हूँ, जो कि किस चीज़ का नहीं, आप लोग से अभी मैं बता ही देती हूँ कि किसका सब्जी बनाई हूँ। सुबह का ही बना ली हूँ, क्योंकि उस समय अपना वीडियो शूट कर रही थी लेकिन मैं सामने नहीं आई, लेकिन वो वीडियो मैं बना ली हूँ, जो कि है कटहल का एकदम टेस्टी सब्जी हुआ था, जो कि मैं एक बार और मैं बनाई थी कटहल का सब्जी, जो कि वो कूच के बनाई थी वो वाला नहीं, ये पूरा अच्छे से मैं बनाई हूँ। इसको ना जैसे कि तल उल का बना तल के बनाते हैं, जो कि गोट गोट काट के बनाते हैं, उसका सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो सीधे अब क्या मैं आप लोग से बताऊँ, सीधे आप लोग देखिए कि मैं आप किचन में क्या किस चीज़ का सब्जी बनाई हूँ। और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर ही बताइएगा कि वो सब्जी क्या। तो देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी, जैसे कि वो क्या कहते हैं कि जैसे नहीं वही गांव में चाहे शहर में जैसे कि बनता है होटल में सब्जी, चाहे बारात ब्याह में, तो वो सब बनता है ना, उस क्वालिटी को मैं बना रही हूँ। जैसे कि ये मैंने चरकोन आकार का काट लिया है, छोटा छोटा पीस, और इसको ना अब इसको मैं फ्राई करूँगी पहले, उसके बाद से बनाऊँगी इसको। तो पहले मैं ये दिखा दी कि कैसे काटना है इसको, चरकोन आकार में काट लेना है। इसके साथ मैं मसाला में इसमें क्या की हूँ कि ये थोड़ा सा गरम मसाला है, जैसे कि छोटी इलायची और ये का है लौंग, खसखस, और ये गोल मिर्च, और ये क्या है कि
तो ये जीरा मैं पूरा 1 चम्मच ले ली हूँ, क्योंकि मैं जीरा पाउडर नहीं डालती हूँ, मैं जीरा पीस के ही डालती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा इसमें प्याज ले ली हूँ, और इसमें लहसुन मैं 1 गांठ ले ली हूँ, छोटा सा गांठ था ये ले ली हूँ। और उसके बाद से ये देखिए मेरा ये प्याज, मैं थोड़ा सा मीडियम आकार का मेरा प्याज था, तो मैंने 3 प्याज इसमें ले ली हूँ। अगर आपके पास बड़ा बड़ा आकार हो तो उसको 2 या 3 डाल दीजिए, प्याज जितना भी डालोगे अपने सब्जी के अनुसार ही आप डाल सकते हो। मेरे पास तो ये 250 ग्राम होगा लगभग, तो मैं इतना ली हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा बनाओगे तो सारा चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए। तो मैं सीधे चलती हूँ अपना रेसिपी चालू करने के लिए, अभी ये बता दी हूँ। और ये तेज पत्ता मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये जब डालूंगी तो ये फोरन के लिए रखी हूँ। तो ये तो मेरा ना ये कम है, जो कटहल मेरा थोड़ा सा कम है, तो मैं कुकर में ही इसको फ्राई करके निकाल लूंगी। और थोड़ा सा इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। तो इसको ना मेरे को ज़्यादा नहीं भूनना है, और ज़्यादा रहता तो मैं पहले कढ़ाई में इसको भून लेती। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही तेल डाली हूँ, जैसे कि इसको क्या बोलूँ मैं, 4 चम्मच समझ जाइए, बड़ा स्पून से। ये वाले को ना मेरे यहाँ ना काट के ही मिलता है, तो मेरे को काटना भी उतना आता नहीं है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है कि काट के मिल जाता है। तो मैं काट के मंगवाई थी तो बड़ा बड़ा पीस था, तो मैंने चाकू से छोटा छोटा पीस कर लिया है। तो इसलिए आप लोग सोचोगे कि क्यों वो नहीं दिखाई कैसे काटते हैं। अगर आप लोग बोलोगे कैसे काटते हैं तो गांव में चलेंगे, तो फिर मैं दिखा पाऊंगी। ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैं इसी में डाल दूंगी, इसको पकाई हूँ। ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं पकाना है, बस इसमें का थोड़ा सा ये कर लेना है कि ये टूटे ना, गोल गोल ही रहे। ये मेरा उसी में तेल था, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा और इसमें तेल डाल दी हूँ। और ये देखिए मेरा ये तेज पत्ता जो कि मैं डाल दी, और ये रहा मेरा प्याज। आला को मैंने पीस लिया, उसके बाद से 1 चम्मच मैं डालूंगी, 1 चम्मच मैंने हल्दी ले लिया, और 1 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच ही मैं धनिया पाउडर। बस हो गया मेरा मसाला, क्योंकि मैं मसाला में पहले ही से मैंने गरम मसाला मैंने पीस ली हूँ, तो मैं कुछ नहीं इसके साथ डालूंगी, बस टमाटर और धनिया पत्ता डालूंगी। और ये देखिए मेरा प्याज हो गया है पूरा रेड, तो मैं अभी इसमें डालूंगी मसाला। को भूनने के लिए मैं थोड़ा सा पानी उसी प्लेट से डाल देती हूँ, ये देखिए। और मैं अभी नमक नमक भी मैं अभी डाल दूंगी, मसाला के साथ में ही अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डालोगे, क्योंकि कम या ज़्यादा से ही होता है, तो मैं अपने टेस्ट के अनुसार ही डाल रही हूँ, 1 चम्मच समझ जाइए ये। और मैं इसको अब भूनूंगी, पूरा अच्छे से मैं भून लूंगी तब इसको डालूंगी। और एक बार और मेरा मैं सब्जी जो बनाई थी ना, वो कटहल जो छोटा कटहल रहता है उसको उबाल के और कूच के उसको बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये मैं कटहल का दूसरे तरीके से मैं बना रही हूँ। ये देखिए मेरा आधा मसाला पक गया है, तो मैं इसमें 1 टमाटर छोटा ही है क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं है तो, और ये धनिया पत्ता मैं तुरंत ही डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये सब्जी रिच वाला सब्जी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इसमें जो टाइम और टेस्टी बनता है ना, तो वो तो होता ही है। अच्छा तो ये देखिए अभी मैं इसको भून रही हूँ, और जो मैं तल के रखी हूँ अभी नहीं डाली हूँ, अभी मैं थोड़े और इसको भूनूंगी फिर डालूंगी इसको। देखिए मेरा सब्जी पूरा ये तेल को अपने से छोड़ रहा है, तो मैं इसी टाइम मैं अपने ये जो मैं भून के रखती हूँ कटहल, मैं इसमें अब भी डाल दूँगी, और इसको मैं 5 मिनट के लिए और इसको पकाऊँगी।
कि इसमें थोड़ा सा मसाला इसमें लग जाए। तो ये देखिए इस प्रकार दिख रहा है। मैं 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए मैं इसको कुक नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को प्रेस करके कुक करना है इसको। तो ये देखिए, तो ये देखिए मैं अब इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा 2-3 मिनट हो गया है। ये ना अभी उतना पका नहीं है, क्योंकि हाफ मैं बॉयल की थी, हाफ बॉयल बोल रही हूँ, हाफ इसको मैं फ्राई की थी, तो ये उतना ये नहीं है। तो इसको ना ज़्यादा पतला इसमें तरी बिल्कुल नहीं लगता है। तो मैं पकाने के लिए ही मैं बस 1 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। अब आप अपना देखिए, जैसे कि ये पूरा सब्जी पानी में डूब जाए, और जब ये पक जाएगा ना तो ये सब्जी ऊपर हो जाएगा और पानी इसमें का बिल्कुल नीचे एकदम गाढ़ा तरी बन के हो जाएगा रेडी। A few moments later. इस प्रकार है। वाओ, ऐसा सब्जी ना कटहल का सब लोग मांग मांग खाएंगे। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। वाह, देखिए एक बार नहीं 10 बार मांग के खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है ये वाला। तो मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, हैप्पी वुमेंस डे, और जोश से भरे रहो। अपने जो भी काम कर रहे हो उसको दिल और लगन से करते रहो, उसी में सफलता मिलता है। इसलिए मेरे तरफ से हैप्पी वुमेंस डे, बाय बाय।